हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था पोस्टिंग। अब पोस्टिंग के आगे बढ़ते हैं तो पोस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। तो आज हम सारे एडजस्टमेंट्स देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। एडजस्टमेंट्स को अच्छे से समझने के लिए मैंने एडजस्टमेंट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसमें पहला है इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। ये 5 एडजस्टमेंट सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फाइनल अकाउंट के लिए नहीं, आगे जितने भी चैप्टर्स हम करने वाले हैं उसमें भी यही 5 एडजस्टमेंट्स पूछे जाएंगे। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइनल अकाउंट का जो सम बोर्ड एग्जाम में आता है उसमें नॉर्मली 5 एडजस्टमेंट्स पूछे जाएंगे, एंड उस 5 में से कम 4 एडजस्टमेंट्स तो इस 5 में से ही होंगे, या फिर हो सकता है 5ों इसी में से हो। इसलिए ये 5 एडजस्टमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। एंड याद रखो, किसी भी एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आता है। अगर तुमने बस 1 इफेक्ट पास किया तो तुम्हारा सम कभी टैली नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ बच्चे यही गलती करते हैं। पहला इफेक्ट तो पास कर देते हैं पर दूसरा इफेक्ट डालना भूल जाते हैं। तो अगर सम टैली करना है तो हमें एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट पास करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। ये एडजस्टमेंट कंपलसरी सारे क्वेश्चन में होगा ही, एंड मोस्ट ऑफ ये तुम्हारा सबसे पहला ही एडजस्टमेंट होगा। तो इसका इफेक्ट आएगा पहला टीसी में और दूसरा एसेट में। तो वीडियो को पॉज कर लो और जोर जोर से कम 10 बार बोलो क्लोजिंग स्टॉक, टीसी एंड एसेट, सो डेट तुम लोग को ये याद हो जाए। देन सेकेंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट को साथ में देख लेते हैं। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड थर्ड है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहां एक एग्जाम्पल से दोनों को समझते हैं। समझो एक वर्कर को मैंने जॉब पे रखा और उसकी सैलरी है 10,000 रुपीज पर मंथ। उसने पूरे साल बिजनेस में काम किया तो उसकी पूरी साल की सैलरी हो जाएगी 10,000 × 12 months, दैट इज 1,20,000। तो ये 1,20,000 मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि इस 1,20,000 का बेनिफिट मैंने ऑलरेडी ले लिया है। फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पेमेंट कितना किया है। यहां मैंने 2 केस लिया है। पहले वाले केस में समझो मैंने उसे सिर्फ 11th मंथ का सैलरी पे किया, तो 11th मंथ का सैलरी हो जाएगा 1,10,000। मतलब अभी भी मुझे 10,000 और देना बाकी है, और जो एक्सपेंस देना बाकी होता है उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहां आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000, और ये 10,000 भले मैंने पे ना किया हो पर मैंने इसका बेनिफिट तो ऑलरेडी ले लिया है। तो ये 10,000 मेरा एक्सपेंस है। तो इस 10,000 को हम सैलरी में ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 1,20,000। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में, क्योंकि ये पैसा हमें किसी को देना बाकी है इसलिए इसको लायबिलिटी बोलेंगे। सेकेंड केस में मैंने उस वर्कर को टोटल 1,30,000 दिया है, मतलब यहां मैंने 10,000 एक्स्ट्रा पे किया है एज अ एडवांस। इस एडवांस को ही हम बोलते हैं प्रीपेड। तो यहां प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000 एंड ये प्रीपेड है, मतलब इसका बेनिफिट मैंने अब तक नहीं लिया है, इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो प्रीपेड सैलरी को हम सैलरी में से माइनस कर लेंगे तो मेरा टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 1,20,000। एंड इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा एसेट्स में, क्योंकि वो कोई भी चीज जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है वो एसेट्स है, एंड प्रीपेड सैलरी का बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है इसलिए प्रीपेड सैलरी मेरा एसेट्स है। तो एक्सपेंस मतलब होता है जिसका बेनिफिट मैंने ले लिया है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पेमेंट ज्यादा किया है या कम। अगर कम किया है तो उसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग एड हो जाएगा, एंड अगर ज्यादा किया है तो उसे बोलेंगे प्रीपेड एंड प्रीपेड लेस हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एड होगा एंड प्रीपेड लेस होगा, एंड आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा एंड प्रीपेड का एसेट में। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा तो पहला इफेक्ट सैलरीज में एड होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट में एड होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस में एड होगा, एंड आउटस्टैंडिंग कैरेज है तो कैरेज में ऐड होगा। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट तो हमेशा ऐड होने वाला है, और दूसरा इफेक्ट आएगा
लायबिलिटी में, क्योंकि वो पैसा मुझे किसी को देना बाकी है, इसलिए दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में आ जाएगा। देन प्रीपेड सैलरी है तो पहला इफेक्ट सैलरी में से लेस होगा, प्रीपेड रेंट है तो रेंट में से लेस होगा, प्रीपेड वेजेस है तो वेजेस में से लेस होगा, एंड प्रीपेड कैरेज है तो कैरेज में से लेस होगा। तो प्रीपेड का पहला इफेक्ट हमेशा लेस होगा एंड दूसरा इफेक्ट आ जाएगा एसेट्स में। देन फोर्थ एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मींस जब भी किसी भी एसेट का वैल्यू कम होता है तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे समझो मैंने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 में, तो ये लैपटॉप मेरा एसेट है, पर क्या ये लैपटॉप का वैल्यू हमेशा 50,000 ही रहेगा? ऑब्वियसली नहीं। जैसे जैसे हम उस लैपटॉप को यूज करेंगे वैसे वैसे उस लैपटॉप का वैल्यू कम होता जाएगा। तो जो भी अमाउंट से उस लैपटॉप का वैल्यू कम होगा उस अमाउंट को बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो समझो मैंने इस लैपटॉप को पूरे साल यूज किया एंड उसका वैल्यू 10,000 से कम हो गया, यानी लैपटॉप का वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया। डेप्रिशिएट मतलब उसका वैल्यू कम हो गया है। तो डेप्रिसिएशन लैपटॉप के अमाउंट से माइनस कर देंगे तो लैपटॉप का वैल्यू बचेगा 40,000। एंड अगर मेरा एसेट का वैल्यू कम हो जाता है तो वो मेरा लॉस है। एंड पोस्टिंग के टाइम मैंने तुमको बताया था कि कोई भी लॉस कभी भी पीडी में आता है। तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट एसेट में से माइनस होगा एंड दूसरा इफेक्ट पीडी में आएगा। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड होगा तो लैंड में से माइनस होगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग तो लेस फ्रॉम बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी तो लेस फ्रॉम मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो लेस फ्रॉम फर्नीचर, एंड डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार तो लेस फ्रॉम मोटर कार। तो जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन है उसमें से माइनस कर देना है एंड सारे केस में दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में। देन फिफ्थ है एंड लास्ट बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो समझो तीन लोग हैं, आलू, कालू और भालू, और तीनों को मैंने क्रेडिट पे कुछ सामान बेचा है तो मुझे तीनों से एक सर्टेन अमाउंट लेना बाकी है। तो आलू से मुझे समझो 2,000 लेना है, कालू से 3,000 और भालू से 5,000, तो टोटल मुझे 10,000 तीनों से लेना है। एंड जिससे हमें पैसा लेना बाकी होता है उसे बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो यहां मेरा सन्ड्री डेटर्स है 10,000। अब ये लोग खुद पैसा देने मेरे पास नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा चलो खुद जाके पैसा मांगते हैं। तो सबसे पहले मैं गया आलू के घर, घर जाके मैंने देखा आलू घर पे नहीं था, तो मैंने आसपास से पता किया तो पता चला आलू सब छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गया है। तो अब जो 2,000 आलू से लेना था वो पैसा तो अब मिलने वाला है नहीं, तो आलू गंदा है क्योंकि वो मेरा पैसा लेके भाग गया, मतलब आलू बैड है, गंदा को इंग्लिश में बोलेंगे बैड। एंड डेटर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में डेब्ट्स भी बोलते हैं। तो आलू मेरा हो जाएगा बैड डेब्ट्स, मतलब गंदा डेब्ट्स, क्योंकि वो भाग गया है। अब ये पैसा मुझे मिलने वाला तो है नहीं, तो इसे हम डेटर्स से माइनस कर लेंगे। देन मैं गया कालू के घर, अब कालू का घर भी बंद था, तो अगेन मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला वो कभी कभी ही घर पे आता है। तो बहुत बार मैंने ट्राई किया उसे मिलने की, उसे कॉल भी किया पर वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो अब कालू पे मुझे डाउट आने लगा कि शायद वो पैसा नहीं देगा, पर वो भागा नहीं है, तो हो सकता है मुझे कभी वो कहीं मिल जाए और मेरा पैसा भी उससे मैं ले लूं। इसलिए इसको बैड डेब्ट्स नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल मतलब दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, क्योंकि वो भागा नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे डाउटफुल डेब्ट्स। तो अकाउंट्स में हम कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, मतलब ऐसा कोई लॉस जो फ्यूचर में हो सकता है उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कोई भी बिजनेस में सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैड डेब्ट्स होता ही है, तो उसके लिए हम एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं एंड उसे बोलते हैं रिजर्व फॉर
डाउटफुल डेब्ट्स, दैट इज आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का शॉर्ट फॉर्म। तो आरडीडी को भी डेटर में से माइनस कर लेंगे। अब बचा भालू, तो भालू खुद चलकर मेरे पास आया और बोला मैं एक हफ्ते में पैसा दे दूंगा, तो भालू हो जाएगा मेरा गुड डेब्ट्स, वो अच्छा है, तो इसलिए उसको बोलेंगे गुड डेब्ट्स। तो तीन टाइप के डेब्ट्स होते हैं, एक तो होता है बैड डेब्ट्स जो भाग जाते हैं, दूसरा होता है डाउटफुल डेब्ट्स जो जिसको पर डाउट होता है कि देगा कि नहीं देगा, एंड तीसरा होता है गुड डेब्ट्स मतलब वो अच्छा डेब्ट्स है, वो भाग नहीं रहा है। तो बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी दोनों का पहला इफेक्ट डेटर में से माइनस होगा एंड दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में, क्योंकि बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी दोनों ही बिजनेस के लिए लॉस है। तो ये हो गए हमारे पांच इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, एक बार सबको साथ में देख लेते हैं। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, इसका पहला इफेक्ट टीसी में आएगा और दूसरा एसेट्स। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका पहला इफेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड होगा, जो भी वो एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस में ऐड करेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी में ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस में ऐड होगा, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट में ऐड होगा, एंड इसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा क्योंकि वो पैसा मुझे देना बाकी है। थर्ड है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका पहला इफेक्ट एक्सपेंस में से लेस होगा, जो भी वो एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस में से लेस करेंगे, जैसे प्रीपेड सैलरी होगा तो सैलरी में से लेस होगा, प्रीपेड वेजेस है तो वेजेस में से लेस होगा, एंड प्रीपेड रेंट है तो रेंट में से लेस होगा, एंड इसका दूसरा इफेक्ट एसेट्स में आएगा क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। फोर्थ है डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट उस रेस्पेक्टिव एसेट में से लेस होगा, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड है तो लैंड में से माइनस होगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है तो मशीनरी में से माइनस होगा, एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है तो फर्नीचर में से माइनस होगा। एंड डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरे लिए लॉस है। फिफ्थ है बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी, तो बैड डेब्ट्स का पहला इफेक्ट डेटर में से लेस करेंगे और दूसरा इफेक्ट पीडी में आएगा, एंड आरडीडी का भी सेम, पहला डेटर में से लेस करेंगे और दूसरा इफेक्ट पीडी में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट पेड, तो समझो मैंने कालू से 1,00,000 रुपए का लोन लिया, तो ये लोन मेरा लायबिलिटी हो जाएगा क्योंकि ये पैसा मुझे कालू को देना है। देन ये जो 1,00,000 का लोन मैंने लिया है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, एंड इस प्रिंसिपल अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, एंड इंटरेस्ट रेट है समझो 10%, तो मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 1,00,000 का 10% इज 10,000, तो जो मेरा लोन का लायबिलिटी है वो 10,000 से बढ़ जाएगा, तो टोटल मुझे कालू को पे करना है 1,10,000, 1,00,000 प्रिंसिपल एंड 10,000 इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट का पहला इफेक्ट ऐड होगा, एंड इंटरेस्ट अगर मुझे पे करना है तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया, तो इंटरेस्ट का दूसरा इफेक्ट आ जाएगा पीडी में। तो कोई भी इंटरेस्ट होगा तो उसका पहला इफेक्ट ऐड होगा, और अगर वो इंटरेस्ट पे करना है तो दूसरा इफेक्ट पीडी में आ जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है तो पहला इफेक्ट होगा लोन में ऐड, एंड दूसरा इफेक्ट पीडी में। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल में ऐड होगा एंड दूसरा इफेक्ट पीडी में। वैसे ही अगर पार्टनर को जैसे इंटरेस्ट दे रहे थे ऑन कैपिटल, वैसे ही अगर पार्टनर को सैलरी देंगे या फिर कमीशन देंगे तो उसका इफेक्ट भी सेम ही आएगा, पहला ऐड टू कैपिटल एंड दूसरा पीडी में। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो पहले वाले में मैं इंटरेस्ट पे कर रहा था पर यहां मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहां समझो मैंने भालू को 1,00,000 का लोन दिया, तो मुझको भालू से 1,00,000 लेना बाकी है, तो ये मेरा एसेट हो जाएगा, एंड प्लस मैं उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा हूं, तो 1,00,000 का 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 10,000 इंटरेस्ट हो जाएगा, तो टोटल मुझे भालू से लेना है 1,10,000। तो इंटरेस्ट का पहला इफेक्ट ऐड होगा, एंड इंटरेस्ट अगर मुझे मिलने वाला है तो इंटरेस्ट मेरा इनकम हो जाएगा, एंड इनकम आता है पीसी में, तो इंटरेस्ट का दूसरा इफेक्ट पीसी में आ जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है तो लोन गिवन में ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट पीसी। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा
और दूसरा इफेक्ट पीसी, देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है तो डिबेंचर में ऐड होगा एंड दूसरा इफेक्ट पीसी, देन इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट पीसी, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी एक्चुअली देखेंगे तो ड्रॉइंग में ही ऐड होता है, पर ड्रॉइंग जैसे कैपिटल में से माइनस होता है वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी हम कैपिटल में से माइनस करेंगे और दूसरा इफेक्ट आएगा पीसी में। नेक्स्ट देखते हैं अनरिकॉर्डेड परचेस एंड सेल्स। तो अगर मैंने किसी से कुछ सामान परचेस किया पर उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो उसे हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस, एंड अगर हमने सेल्स किया और अगेन उसे रिकॉर्ड नहीं किया तो उसे बोलेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। जैसे यहां मैंने आलू से 5000 का परचेस किया क्रेडिट पे, मतलब उधार पे, अब परचेस तो कर लिया पर उसे रिकॉर्ड नहीं किया तो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो समझे तो समझो पहले से मेरा परचेस था 10,000 और ये जो 5,000 का परचेस मैंने अभी किया है उसे रिकॉर्ड नहीं किया है तो इस 5,000 को परचेस में ऐड कर लेते हैं तो मेरा टोटल परचेस हो जाएगा 15,000। एंड इसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर में ऐड होगा क्योंकि मैंने ये परचेस क्रेडिट पे किया है तो मुझे सामने वाले को पैसा देना बाकी है तो इसलिए मेरा क्रेडिटर भी 5,000 से बढ़ जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड परचेस का पहला इफेक्ट परचेस में ऐड होगा एंड दूसरा क्रेडिटर में ऐड होगा। नेक्स्ट देखते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो यहां मैंने भालू को 5,000 का सेल्स किया क्रेडिट पे, मतलब पैसा मुझे मिला नहीं है, उधारी पे बेचा मैंने, अब सेल्स तो कर लिया पर उसे रिकॉर्ड नहीं किया तो अगेन उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं तो मेरा पहले से समझो 20,000 का सेल्स था एंड ये 5,000 का सेल्स मैंने अभी किया तो ये जो 5,000 अनरिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो मेरा टोटल सेल्स हो जाएगा 25,000। एंड इसका दूसरा इफेक्ट डेटर्स में ऐड होगा क्योंकि मैंने सेल्स क्रेडिट पे किया है तो मुझे सामने वाले से पैसा लेना बाकी है तो इसलिए मेरा डेटर भी 5,000 से बढ़ जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स का पहला इफेक्ट सेल्स में ऐड होगा और दूसरा डेटर्स में। नेक्स्ट देखते हैं डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब होता है कि अगर कोई किसी का बिल का पेमेंट नहीं कर पाता तो उसे बोलते हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल। अगर समझो मेरा कोई बिल्स पेएबल है और वो मैं पे नहीं कर पाया तो उसे बोलेंगे बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। तो पहले बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड को बिल्स पेएबल में से माइनस कर देंगे और अगर मैंने वो पेमेंट नहीं किया है तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब मेरा क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड का पहला इफेक्ट बिल्स पेएबल में से माइनस होगा एंड दूसरा क्रेडिटर्स में ऐड होगा। देन अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो रहा है तो बिल रिसीवेबल में से माइनस होगा और ये बिल रिसीवेबल था, मतलब पैसा लेना बाकी था, तो मेरा डेटर बढ़ जाएगा। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का पहला इफेक्ट बिल रिसीवेबल में से माइनस होगा एंड दूसरा डेटर्स में ऐड होगा। नेक्स्ट देखते हैं गुड्स गॉन, मतलब गुड्स हमारे पास से जा रहा है। तो कभी भी गुड्स हमारे पास से जाता है तो उसका इफेक्ट आता है टीसी में। जैसे अगर मैं सेल कर रहा हूं यानी गुड्स बेच रहा हूं तो गुड्स मेरे पास से जा रहा है इसलिए सेल्स टीसी में आता है। तो समझो गुड्स चोरी हो गया, मतलब गुड्स चला गया, तो इसका पहला इफेक्ट आएगा टीसी में एंड गुड्स किसी ने चुरा लिया तो वो लॉस है एंड लॉस पीडी में आता है, तो दूसरा इफेक्ट इसका पीडी में आएगा। देन अगर गुड्स फ्री में बांट दिया या फिर गुड्स जल गया तो इसका भी सेम इफेक्ट आएगा टीसी एंड पीडी, पर अगर गुड्स किसी पार्टनर ने ले लिया अपने पर्सनल यूज के लिए तो इसको बोलेंगे ड्रॉइंग और इसका पहला इफेक्ट तो वही टीसी में आएगा क्योंकि गुड्स जा रहा है, पर दूसरा इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम कैपिटल क्योंकि ये ड्रॉइंग है एंड ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल में से लेस होता है। सो आई होप ये सारे एडजस्टमेंट्स तुमको क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं क्लियर हुए तो तुम लोग वापस से वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस का एडजस्टमेंट्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।